हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त पंकज और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो मेरठ सेंट्रल स्टेशन से और ब्रह्मपुरी स्टेशन के बीच की होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको बाई रोड सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अब से पहले आपने ड्रोन शॉट्स के जरिए सारे स्टेशन को देखा और ड्रोन्स के जरिए रोड जो है, बाई रोड जो वर्क चल रहा है उसका पता नहीं चल पाता है। तो आज हम बाई रोड सारे इस वर्क को देखेंगे जो मेरठ सेंट्रल स्टेशन है और उससे ब्रह्मपुरी स्टेशन तक। तो चलिए अभी शुरू करते हैं वीडियो को। तो अभी जहाँ पर हम हैं, जिसके नीचे है मेरठ सेंट्रल, RRTS और मेट्रो स्टेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। तो आप अभी देख पा रहे होंगे कि दोनों साइडों में वर्क चल रहा है स्टेशन का, अंडरग्राउंड स्टेशन का, और अभी बैरिकेडिंग वगैरह लगाई हुई है। यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे लेफ्ट साइड में नीचे अंडरग्राउंड वर्क चल रहा है और अप्रोक्सीमेटली 70-80% बनकर कंप्लीट हो भी चुका है स्टेशन। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद में अभी देख पा रहे होगे कि यहाँ पर क्रेनें वगैरह सारी वर्किंग में है और काफी तेजी के साथ में काम चल रहा है। तो ये है मेरठ सेंट्रल स्टेशन, जहाँ हम हैं यहाँ तक मेरठ सेंट्रल स्टेशन होने वाला है। और इससे आगे जब ब्रह्मपुरी स्टेशन है वो एलिवेटेड स्टेशन है, तो आगे से जो अंडरग्राउंड है वो ऊपर एलिवेटेड होने वाली है। अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली चुंगी, तो यहाँ भी अंडरग्राउंड स्टेशन का या अंडरग्राउंड जो ट्रैक वगैरह है उसका काम चल रहा है, टनल वगैरह का। और आपको बता दूं कि ये जो रोड है दिल्ली चुंगी से और इरा मॉल आ गया सोप्रिक्स मॉल तक, इसको बंद करने वाले थे, पर अब ये रोड बंद नहीं हो रही है। बड़ी बड़ी क्रेनें लगी हुई हैं काम में और काफी तेजी के साथ में काम चल रहा है। अब जो इस ये जो पोर्शन आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ से जो रैपिड रेल है वो बाहर निकलना शुरू होने वाली है। तो इस यहाँ से जो इरा मॉल है, इरा मॉल के बाद से जो ट्रेन है वो बाहर एलिवेटेड हो जाएगी। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। जो ये आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर लोहे का जो फ्रेम वगैरह है वो उसका काम चल रहा है, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में यहीं से मैंने दिखाया था। तो इसके बाद में आप जो फ्रेम वगैरह हैं या यहाँ का जो साइड वॉल होगी, अब क्योंकि जब अंडरग्राउंड से और बाहर एलिवेटेड होगी तो उसके बीच में साइड वॉल होगी, साइड वॉल की जो पिलर्स वगैरह हैं उनका काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। आप देख भी पा रहे होंगे ऊपर, तो यहाँ पर साइडों में सरिये वगैरह लगाए हुए हैं, जो साइड वॉल का काम हो चुका है, शुरू हो चुका है यानी कि। और यहाँ से आगे आप देख सकते हो कि ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद में अभी हम पहुंच चुके हैं लगभग बहादुर मोटर पर, और बहादुर मोटर के बाद से आपको प्लर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अभी आप देख भी पा रहे होंगे कि कितना छोटा सा रोड है, जहाँ जहाँ से सभी को निकलना आना जाना लगा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 फुट, 10-15, मैक्सिमम 15 फुट का ये रास्ता यहाँ पर है। कुछ जगहों पर थोड़ा सा चौड़ा है, पर मैं मोस्टली यहाँ पर बहुत छोटा सा रास्ता है। और यहाँ से अभी बहादुर मोटर हमने क्रॉस किया, अब आप देख भी सकते हैं कि साइडों में पिलर्स का काम हो चुका है। यहाँ पर पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं और उनका पिलर कैप का काम भी हो चुका है। बाकी अब यहाँ से सारे पिलर्स की हाइट बढ़ती आगे चलती चली जाएगी। तो आप सामने देख भी पा रहे होंगे कि वो है ब्रह्मपुरी स्टेशन। तो आज के इस वीडियो में ब्रह्मपुरी स्टेशन को आपको कंप्लीटली दिखाऊंगा और जो दोनों साइड का रास्ता है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो दोनों ट्रैक्स हैं अलग-अलग प्लेस
प्लेटफॉर्म के लिए डिवाइड होंगे। और आप देख भी सकते हो कि सारे पिलर्स ये बन भी चुके हैं, बनकर रेडी हो गए हैं और पिलर कैप का काम बाकी है। और यहाँ पर ब्रह्मपुरी स्टेशन के पास में जो आप मेरे लेफ्ट साइड में पिलर देख रहे हो, तो पिछली वीडियो जो मैंने ब्रह्मपुरी स्टेशन की डाली थी, तो इसकी फाउंडेशन यानी कि यहाँ पर पिलर के लिए खुदाई चल रही थी JCB से। तो ये है ब्रह्मपुरी स्टेशन, 2 फ्लोर का बनने वाला है। तो जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पर जो टिकट काउंटर वगैरह होगा और उसके ऊपर होगा आपका प्लेटफॉर्म। तो ये है ब्रह्मपुरी स्टेशन। और अगर मैं नीचे की बात करूँ, मैंने गौर किया तो अभी जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनका कोई भी काम दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दोनों साइडों में आप देख सकते हो कि एक सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस खाली है, नहीं तो बाकी दुकानें वगैरह हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो यहाँ से दूसरी साइड है, दूसरी साइड से और वापस मैं लगभग पूरा रास्ता यहाँ तक का कवर वापस करने वाला हूँ। चलिए फिर चलते हैं वापस। तो अभी हम आ चुके हैं वापस घूमकर, और अब मैं वापस दूसरी साइड की जो रोड है, तो दूसरी साइड का जो रास्ता है उसको मैं कवर करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि कितना रास्ता छोड़ा हुआ है लोगों के आने जाने के लिए। तो ये ऊपर हमारे ब्रह्मपुरी स्टेशन, और यहाँ से अब हम चल रहे हैं मेरठ सेंट्रल स्टेशन की तरफ। और जो सीधा ये रोड जा रहा है मेरठ सेंट्रल के लिए, पर यहाँ पर कट बंद किया हुआ है, तो आगे से ये हमारे साइड में टीपी नगर का यानी ट्रांसपोर्ट नगर का गेट आएगा, वहाँ से आगे से हमें घूमकर आना पड़ेगा। आप जो सामने देख रहे होंगे तो यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है। अब हम ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर जा रहे हैं और आगे से कट से घूम के आएंगे यू टर्न लेकर। तो ये है मेरठ का ट्रांसपोर्ट नगर, थोड़ा सा ही ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर आगे से कट है, वहाँ से हम यू टर्न लेके आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट नगर के बिल्कुल गेट के बाहर एक पिलर है, उस पिलर को पिछली वीडियो में ये पिलर बिल्कुल भी, इस पिलर पर कोई भी काम नहीं था। अब वापस चलते हैं इधर और अब दूसरी साइड में, क्योंकि अभी जब हम आए थे तो हम अपनी साइड दूसरी साइड में आए थे और अब वापस जाएंगे तो हम दूसरी साइड में जाने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी साइड का रास्ता दिखाता हूँ, क्योंकि जो बीच में इन्होंने जो ये साइड वॉल्स लगाए हुए हैं काम के लिए, तो उसके वजह से दूसरी साइड का रास्ता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पूरा ये जो एलिवेटेड सेक्शन है और अंडरग्राउंड सेक्शन है ये बिल्कुल रोड के बीच में है। अब आप देख सकते हो कि ये रोड के बीच में है और दूसरी साइड की रोड हम नहीं देख सकते, और यहाँ पर कुछ जो बैरिगेटिंग वगैरह यहाँ से हटा भी दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर पिलर्स का काम होना था और पिलर्स का काम कम्प्लीट हो चुका है। अभी आप देख सकते हो कि इधर भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 फीट चौड़ी ही सड़क होगी। तो आप यहां देख भी सकते हो कि ये पिलर्स वगैरह बनकर रेडी हो चुके हैं, पिलर कैप बन चुकी है और यहां पर ये वायडक्ट कंप्लीट करने के लिए यहां पर ये मशीनें लगी हुई हैं। अब आप यहां देख भी सकते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। और दूसरा, अब यहां आप देखोगे कि सामने ये सरिये लगे हुए हैं, तो यहां ये साइड वॉल कंप्लीट करने के लिए सरिये वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से ये बाहर आने वाली है और अब आगे कम्प्लीटली अंडरग्राउंड हो जाएगी। जो कि आगे स्टेशन है मेरठ सेंट्रल, आगे वैशाली का स्टेशन है, उसके बाद बेगमपुर, ये 3 स्टेशन जो मेरठ के अंदर होने वाले हैं ये अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाले हैं। और आप मेरे साइड में देख भी रहे होंगे कि यहाँ तक ये अब यहाँ से बाहर आ जाएगी, साइड में सरिये वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ की जो अगर रोड देखोगे ये मैक्सिमम 10 फीट चौड़ी होगी, ठीक। तो निकलने में थोड़ा सा ऐसा तो नहीं है कि अभी फ़िलहाल कोई खास जाम नहीं देखने के लिए मुझे मिला है, पर हाँ आपको बहुत ही धीमे धीमे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और रश बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से आपको यहाँ से निकलने में समय लग जाता है। तो वापस हम घूमकर पहुँच चुके हैं लगभग इरामोल के पास में।
तो ये था कंप्लीट ओवरव्यू जो मेरठ सेंट्रल और ब्रह्मपुरी स्टेशन के बीच का, जो भी आपका वायडक्ट वगैरह है, जो कितना काम हो चुका है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ से आगे की वीडियो आपने उधर से आते हुए देखी थी, क्योंकि अब आगे जाने के लिए यहाँ से बस एक ही साइड की रोड है। तो वीडियो को यही एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले स्टेशन और अगली डेस्टिनेशन के साथ में।